वहीं भदोही में एक युवक ने आत्महत्या करने से पहले एक वीडियो वायरल किया, जिसमें युवक ने पत्नी और ससुराल वालों को उसकी मौत का जिम्मेदार ठहराया है। घटना औराई थाना क्षेत्र के भव नौटी गांव की है, जहां 28 वर्षीय युवक का शव पंखे से लटकता मिला। मृतक का एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, जहां इस वीडियो में के वायरल होने के बाद पूरे क्षेत्र में हड़कंप मच गया। परिजनों का आरोप है कि शादी के बाद से ही बहू और उसके परिजन युवक को लगातार प्रताड़ित कर रहे थे, जिसकी वजह से उसने ऐसा कदम उठाया। फिलहाल पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर मामले की जांच शुरू कर दी है। देखिए, हमारे परिवार के न्याय जरूर मिले चाहे, सरकार से हमारी गुजारिश भाई वीडियो हम सबके भेज के तब सो। थाना औराई सूचना प्राप्त हुई कि थाना क्षेत्र के ग्राम बवनौटी निवासी संजीव कुमार दुबे के द्वारा फांसी लगा ली गई है, जिसको उसके परिजनों के द्वारा भदोही स्थित राजकीय चिकित्सालय ले जाया गया है, जहां उपचार के दौरान उसकी मृत्यु हो गई है। प्रकरण के संबंध में मृतक के पिता की ओर से उसके ससुरालीजनों के पर प्रताड़ना का आरोप लगाते हुए तहरीर दी गई है। तत्काल प्रकरण में अभियोग पंजीकृत करते हुए अग्रिम विधिक कार्रवाई प्रारंभ की गई एवं आरोपी 3 व्यक्तियों को हिरासत में ले लिया गया है।